दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी 2019 के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और ये जो अपडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 2019 में एसटीटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको अपडेट देने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तो देखिए, ये आर्टिकल छपा हुआ है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, जो कि आज ही का डेट का है, यानी 10 सितंबर 2019 का ही ये अपडेट है। यहाँ पे हेडलाइंस आप देख सकते हैं, लिखा गया है हजारों छात्र एसटीटी आवेदन से हो जाएंगे वंचित, और यहाँ पे जो है एमयू यानी मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी बीएड का आना बाकी है, उनका यहाँ पे जो है अभी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे एसटीटी 2019 के लिए। तो क्या जानकारी प्रोवाइड कराया गया है, सभी जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लिखा गया है कि मगध और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र छात्राएं एसटीटी के आवेदन से वंचित हो जाएंगे। इन छात्रों की बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है, यानी बीएड का जो सेकेंड ईयर है उनका जो है एग्जामिनेशन हो गया है, बस रिजल्ट आना बाकी है, और ऐसे छात्रों ने बिहार बोर्ड से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। यानी ये सभी कैंडिडेट बिहार बोर्ड से रिक्वेस्ट किए हैं कि आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दें ताकि जब रिजल्ट आ जाए तो वो लोग भी आवेदन कर पाएं। लिखा गया वहीं वाणिज्य संकाय में आवेदन नहीं लिए जाने से भी छात्रों में आक्रोश है, और जो कैंडिडेट्स कॉमर्स सब्जेक्ट से बीएड किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उनको भी यहाँ पे आक्रोश है, उनके लिए एक भी सीट नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके रिगार्डिंग मैंने बात किया हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा गया था 37,335 सीटें कॉमर्स को लगा झटका, इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट दे चुका हूँ, नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी आक्रोश है कि यहाँ पे उनके लिए एक भी सीट नहीं दिया गया है एसटीटी 2019 में। आगे लिखा गया है बीएड परीक्षार्थियों का कहना था कि सत्र 2017-19 के छात्रों की परीक्षा हो गई, बस रिजल्ट आना शेष है, इसीलिए आवेदन फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अगर आवेदन भरने का मौका नहीं दिया जाएगा तो 15,000 से अधिक छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। छात्र अशोक कुमार, राजू कुमार, राहुल कुमार, राजीव कुमार, आलोक कुमार, प्रणय आनंद ने कहा कि 8 साल के बाद बिहार सरकार ने एसटीटी के लिए आवेदन मांगा है, ठीक है, ये सही भी बात है। यहाँ पे 2011 में लास्ट टाइम बिहार एसटीटी के लिए यहाँ पे जो है आवेदन हुआ था, यानी बिहार एसटीटी 2011 में लास्ट टाइम कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद में 2019 में लगभग 8 साल के बाद में यहाँ पे बिहार एसटीटी का आयोजन हुआ है, जिसमें अगर ऐसे ही रहा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है नहीं भाग ले पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो है जो वाणिज्य संकाय के छात्र हैं यानी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के छात्र हैं उनको तो बिल्कुल ही मौका नहीं दिया गया है, इसमें एक भी वैकेंसी उनके रिगार्डिंग नहीं है, जैसे वो लोग तो आक्रोश में हैं ही, नाखुश हैं ही, और साथ में यहाँ पे एक मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वाला मामला भी इसमें आ रहा है। तो देखिए क्या होता है। और आगे लिखा गया है कि राहत नहीं मिलते हैं तो हजारों छात्र आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। हालांकि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार आवेदन मंगाए गए हैं, सरकार का निर्देश प्राप्त होगा तो आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। अभी तक जो बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें 9 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की बात है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक होगी, परीक्षा की तिथि 7 नवंबर को घोषित कर दी गई है, इसमें सिर्फ बीएड की डिग्री प्राप्त करने वाले को ही मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 9 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसके रिगार्डिंग मैं फुल डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबल होंगे तब आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 9 सितंबर से 18 सितंबर जो है यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा, और यहाँ पे बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पे जो बोर्ड के अधिकारी हैं छात्रों को प्रतिनिधि यहाँ पे जो बोर्ड के अधिकारी हैं छात्रों को प्रतिनिधि मंडल से बात किया है, उन्होंने बोला है कि अगर राज्य सरकार यानी बिहार सरकार जो है अगर बोलती हैं तो वो आवेदन की तिथि जरूर बढ़ाएंगे, अभी जो है सरकार के निर्देश पर ही अभी 9 सितंबर से 18 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा, तो जैसा सरकार के चाहेगी वैसा ही बिहार बोर्ड करेगा, उनका बिहार बोर्ड के अधिकारियों का यही कहना है। देखिए जो होता है सो तो होगा, और यहाँ पे ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 और अपडेट अभी देना बाकी है, इसके रिगार्डिंग क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा गया है 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल करें, लिखा गया है बीएन कॉलेज में बीएड उत्तीर्ण छात्र संघ समिति के बैनर तले 9 सितंबर को बैठक हुई, इसमें समिति के अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 8 नवंबर को आयोजित होने वाली एसटीटी की परीक्षा में वर्ष 2018 में उससे पहले बीएड की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के आवेदन के पात्र हैं। कहा कि 2019 में बीएड उत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा में शामिल करें नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट बीएन कॉलेज से बीएड किए हैं उनका कहना है कि जो 2019 में बीएड पास कैंडिडेट है उनको भी मौका मिलना चाहिए 2019 में एसटीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल रूल और यहाँ पे जो
डेट का क्राइटेरिया दिया गया जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे 2018 और 2018 से पहले जो कैंडिडेट बीएड किए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है, लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं कि 2019 में जो कैंडिडेट बीएड किए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और आगे बताया गया प्रधान सचिव से मिले बीएड अभ्यर्थी, लिखा गया है एसटीटी के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले अभ्यर्थियों ने प्रधान सचिव से बीएड के सफल छात्र जो बीकॉम में स्नातक और स्नातकोत्तर है को भी मौका देने की मांग की है। साथ ही बताया कि राज्य के 1000 से ज्यादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईकॉम की पढ़ाई हो रही है, यहाँ शिक्षकों की कमी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसटीटी के जो कैंडिडेट्स हैं अभी हमारे शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव आरके महाजन से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा है। और इसमें बताया गया कि जो कैंडिडेट्स बीकॉम से स्नातक और स्नातकोत्तर की हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईकॉम की पढ़ाई हो रही है और उसमें बहुत सारे शिक्षकों की यहाँ पे कमी है, सीट जो है अभी खाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो है एसटीटी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव आरके महाजन से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पे सही भी बात है, अभी बतलाएं आपको तो कॉमर्स का एक भी सीट नहीं है एसटीटी 2019 के लिए, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट आक्रोश में है और नाखुश है और वो लोग अपना चिंता जाहिर कर रहे हैं मीडिया वाले के सामने और या फिर बोले तो पेपर मीडिया वाले के सामने। तो क्या कहना है इन सभी अपडेट्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।